स्वागत मैं आप बिक्रमजीत सिंह। सो खालसा कॉलेज पटियाला दे विच पटियाला हैरीटेज के तहत मिलिट्री फेस्टिवल की अज्ज शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के विच डीसी पटियाला अहमद परे नाल गलबात हुई। उन्होंने दस्या भी ये दूसरी बार जिहड़ा मिलिट्री फेस्टिवल खालसा कॉलेज मनाया जा रहा है। सो इस मिलिट्री फेस्टिवल के विच जिथे भारतीय सेनावां ते भारतीय सेना की जानकारी के नाल नाल भारतीय जिहड़ी सेना की कीड़ियां फौजां ने कीड़े वैपन्स वरते जाते हैं हुण तक किन्नियां जिहड़ियां लड़ाइयां जंगा हुई ने उन्हां जंगा के सूरवीर ते योध्या की गाथा ते खास करके उन्हां बारे डिस्प्ले किया गया ता जो जिहड़े विद्यार्थी ने साडी उचेरी विद्या चाहे सैकेंडरी विद्या के विद्यार्थी ने उन्होंने जानकारी मिल सके भारतीय सेनावां की भी भारतीय जिहड़ियां सेनावां किदां काम करदियां ने। सो इस एग्जीब्यूशन के दूरों दराडे जिहड़े विद्यार्थी ने विशेष तौर पर पहुँचे हुए ने मिलट्री के हर पक्षों हर एंगल तो जिहड़े मिलट्री के अधिकारी ने चाहे वह टैंक ने चाहे वैपन ने चाहे गोले ने चाहे होर वैपन हथियार ने उन्होंने जानकारी उन्होंने दी जा रही है। सो देख रहे हो तुम इतने स्पैशल एक एग्जीबिशन जी हैगी है सिक्के जोड़े विरासती सिक्के ने उन्होंने एग्जीबिशन लगाई गई है। तो होर भी बहुत सारे जोड़े लोग ने समाज सेवी ने एक जोड़े व्यक्ति ने वह भी इतने पहुँचे ने इनवैलप वक् वक् तरह के इनवैलप खास करके इक्की साढ़े मिलट्री के जवान या अफसर जिन्होंने परमवीर चक्कर मिले उन्होंने बारे भी विशेष जी जानकारी दी जा रही है। बिक्रमजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट पटियाला। शुरुआत खालसा कॉलेज की जा रही है किदा के अरेजमेंट है क्यों जिमें पहला भी आप मीडिया के राही दसिया कि 3 दिन का हम फेस्टिवल है 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख ये बाद फिर 10-11 तारीख एग्जीबिशन चाहते हैं। जिमें आप हर साल पटियाला हेरीटेज मेला करवाए ने वही ही कड़ी का एक हिस्सा है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। आप पहला 2017 किया दूजा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है ये मार्शल सोंगस नो लेके पटियाला जी हिस्टरी रही है मार्शल या फिर आर्मरी नो लेके वो सारा ये जे अपने इतने आर्मी के यूनिट है उन्होंने अपने जो उन्होंने को इक्विपमेंट्स ने उन्होंने को जो कि साज सामान है वो भी प्रदर्शनी जी है वो रखी हुई है। तो इस इतने टॉक्स भी होनगियाँ कुछ जी मूवीज़ है वो भी बच्चों को दिखाई जाएगी। तो मैं सारे यही बेनती कराँगा कि तुम इतने जरूर आओ तो यदा हिस्सा बनाओ कि ये थोड़ी परसनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा जरा पटियाला रिच हिस्टरी हैगी है आर्म्स को लेके या फिर मिलिट्री का जो कल्चर रहा है वो बारे भी थोड़ा जागरूकता जी है प्राप्त। विद्यार्थियों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक सुनहरी मौका है मिलिट्री की जानकारी लेने किदा की मैसेज देना चाहोगे पटियाला संगरूर डिस्ट्रिक्ट नाल नाल ने काफ़ी विलेज पिंड भी ने जिमें मैं कहा कि ये ओपन हैगा हर एक व्यक्ति के लिए जिड़े भी नाल के जिले भी ने या पिंडा के जोड़े बच्चे ने वो भी इतने आ सकते हैं तो अपने आप को जाणू करवा सकते हैं। एक प्रेरणा भी मिलती है एक इंस्पिरेशन भी मिलती है जे आप इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा। तो मैं सारे यही बेनती कराँगा कि ये खुल के आओ अज भी है कल भी है 2 दिन का फेस्टिवल है तो इतने आके आनंद भी माणो तो एक अपनी जानकारी जो है वो भी बताओ। की वक्रा देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार फेस्टिवल कराया जा रहा है इस बार जो लोगों की जो दिल खिंचवा जो कोई केंद्र होगा की खास हो रहा है। देखिए इस बार भी पहला की तरह ही जोड़े अपने इवेंट्स होंगे ने क्योंकि जो कल्चरल फेस्टिवल्स होंगे उन्होंने अपना एक जोड़ा है प्रोटोकॉल हों हिसाब न ही आप इस बार भी ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल दूजा वाला है पहला कुछ साल तो नहीं हो रहा है 2017 हो रहा है उस तो बाद अज हो रहा है तो यह भी इस बार एड किया होया है। तो नाल ही जोड़ा आप किला मुबारक में फंक्शन करते हैं वो भी तो नाल एक बरादरी वॉक जी है वो रखी हुई है कल तो आप संडे रखी हुई है वो जोड़ा है जो आप वॉक करा तो जिड़े जिड़े अपने उत्थे सारी हिस्टरी है वो भी नाल नाल जोड़ा है जी पब्लिक सभा होगी जोड़ा है चलन तो उन्होंने बारे भी जी है वो जानकारी दी जाएगी। तो उत्थे फूड कोर्ट भी लगेगा बरादरी गार्डन के भी आप पब्लिक को उम्मीद ही करा कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। थैंक यू।